मंजाकोट से कल जो नैली गांव था वहां से हम लोगों ने आपके पास ये इन्फॉर्मेशन तो दी थी कि वहां से एक अनआइडेंटिफाइड जो है डेड बॉडी जम्मू कश्मीर पुलिस को मिलती है। लेकिन आप लोगों से सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डेड बॉडी थी वो डेड बॉडी जीएमसी रजौरी में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस खासतौर पर मंजाकोट की पुलिस ने वहां पे भेज दी थी। आप लोगों को कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा, जो जिस बंदे को इस जो बंदा मिसिंग है, कहीं से भी जो बंदा मिसिंग हो सकता है वो जम्मू कश्मीर पुलिस से राबता करे और जेएमसी रजौरी की जो पोस्ट है वहां पे जो वो लोग जा सकते हैं। इस बंदे ने जिस बंदे की डेथ हुई थी, अनआइडेंटिफाइड जो डेड बॉडी थी, इसने डार्क ब्लू जो है ट्रोजर पहना हुआ था, डार्क ब्लू रंग का जो इसने ट्रोजर पहना हुआ था, वो टी शर्ट थी, हाफ टी शर्ट थी। ये जो है इसका पूरा सामान जो है जीएमसी की जो पोस्ट है, जीएमसी रजौरी की पोस्ट है, वहां से आप लोगों को मिल सकती है। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है इसकी फैमिली मेंबर तक पहुंच पाए। जो बंदा आप लगभग 5 या 7 दिन या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन से जो बंदा मिसिंग है, 35 30 या 35 या लगभग इतनी ही इसकी एज हो सकती है। अभी तक पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आप लोगों के लिए ये अहम मैसेज है, आप लोग जो है जीएमसी रजौरी में आकर के इस बंदे की जो है डेड बॉडी जो है वो लेके जा सकते हैं। जीएमसी रजौरी में जो है इस बंदे के पूरे जो भी इसके बॉडी के ऊपर इसके साथ जो भी सामान था, डार्क ब्लू कलर का जो ट्रोजर पहना हुआ था और इसकी जो टी शर्ट थी, ये जीएमसी रजौरी की पोस्ट पर है। आप लोग जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट रजौरी की पुलिस को रब्ता कर सकते हैं।